हेलो एवरीवन, माय नेम इज वर्धन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसई, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। तो गाइस, आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंड ऑपरेटर को। तो जानेंगे भाई क्या होता है एंड ऑपरेटर, क्यों यूज करते हैं एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर की पूरी कहानी आपको आज इस वीडियो में डिटेल में समझ में आ जाएगी। इससे पहले दो और हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, बहुत बेसिक ऑपरेटर्स कवर कर चुके। दैट वाज योर नॉट ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, जो बूलियन अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में आपको जरूरत पड़ती है इन ऑपरेटर्स की, क्योंकि आपको हर वेरिएबल के साथ या हर एक्सप्रेशन के साथ ये ऑपरेटर्स लगे हुए मिलेंगे। तो यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि यार ये क्या है, बेसिकली ऑपरेटर्स क्या करते हैं। कि ट्रुथ टेबल्स बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या है ये ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस दो वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर नहीं देख रखा है, तो एक बार प्लीज़ वो देख के आइए, बिकॉज उसका आपको जो उसकी समझ है वो हेल्प यहाँ पे डेफिनेटली करने वाली है। बिकॉज हम जो कहानी नॉट में और में कर चुके हैं वही कुछ यहाँ देखने वाले हैं, बट विद अ डिफरेंट ऑपरेटर। वही सब कहानी, ट्रुथ टेबल, वेन डायग्राम, वही सब चीज़ देखेंगे, बट विद अ डिफरेंट टच, विद अ डिफरेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर अपना प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, एक बार देख के आइए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई ये रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है। ये आपकी क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है फिलहाल। ठीक है, और सीबीएसई का हम बूलियन लॉजिक चैप्टर फिलहाल देख रहे हैं। अच्छा, अगर सपोज आपको ऐसा है कि प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत होती है, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। आप उसको फेच कर सकते हैं, उससे आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। आप बूलियन लॉजिक का कोई भी वीडियो जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट कोर्स सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इवन अगर आपको बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब बाकी कोई भी सब्जेक्ट की, किसी भी कोर्स की, किसी भी फैकल्टी की अगर वीडियोस ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उसका भी सोल्यूशन यहीं पर है कि यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, जिसमें आपको एक शीट्स मिल जाएंगी जिसमें सारे सेपरेट करके प्रॉपर्ली मैनेज हैं चीज़ें। कोर्स वाइज, कंटेंट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको जिस भी हिसाब से चाहिए, मतलब पेपर के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, जिस भी हिसाब से आपको चाहिए वो सब वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आप उस पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर सपोज आपको मतलब ऐसा है कि यार कोई और सब्जेक्ट की मतलब ऐसा कहानी है कि आपको सब्जेक्ट का वीडियो ही नहीं मिल रहा, बिकॉज वीडियो के बीच नीचे होती है प्लेलिस्ट, तो अगर वीडियो ही नहीं मिल रहा, यहाँ से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि YouTube में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। YouTube थोड़ा सा कंटेंट को या वीडियो को मैनेज करने की जो ऑप्शंस हैं वो नहीं देता, टूल्स नहीं प्रोवाइड करता प्रॉपर्ली मैनेजमेंट के लिए, बट ये एक अच्छा तरीका है। तो इससे आप जरूर सारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सारा कंटेंट वही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीटली मिल जाएंगी। चलो, ये हो गया एंड ऑपरेटर जो हम शुरुआत करने वाले हैं। वापस आते हैं एंड ऑपरेटर, शुरुआत करते हैं। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। यार जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। ठीक है, ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे कि एक तो ये जो रेज्यूमे है आपका, ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। यहाँ पे आपकी स्किल सेट्स प्रॉपर्ली सारी डिटेल में लिखी होनी चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। ये हेल्प करेगा हमें आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। ओके, सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई हियर। और अगर ऐसी कहानी है कि यार आप लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अभी फिट नहीं हो, तो डोंट वरी, अगर कोई आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिएगा फॉर दिस रोल, ठीक है। और आप लोग उस पर काम करिए, अगर सपोज स्किल सेट्स की कमी है तो वर्क ऑन दो स्किल सेट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई हेयर एंड वी वुड कॉन्टैक्ट यू, ओके। सो प्लीज़ डू दैट। Now coming back to the topic, we would be starting with AND operator. Now what is AND operator? So basically AND operator performs another important operation of Boolean algebra called logical multiplication. So AND operator नया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बिकॉज और ऑपरेटर हमने देखा था जितना इंपॉर्टेंट और ऑपरेटर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो जैसे और जो है आपका लॉजिकल एडिशन कर रहा था, एंड आपका क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। सो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है कौन, आपका एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर परफॉर्म्स अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। द सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए या एंड ऑपरेशन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज डॉट, ठीक है। जस्ट डॉट, फुल स्टॉप, है ना। तो फुल स्टॉप नहीं बोलूंगा, डॉट बोलूंगा, डॉट हम यूज करते हैं। नाउ द डॉट सिंबल देयरफॉर डज नॉट हैव द नॉर्मल मीनिंग, ठीक है। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स में भी डॉट को यूज़ करते हैं, मतलब हम मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे सिंबल से डॉट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे सिंबल से स्टार यूज़ करते हैं हम, ठीक है। बट दिस डॉट सिंबल इज़ नॉट कैरिंग द नॉर्मल सिग्निफिकेंस हेयर, मतलब जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसा सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। सो द डॉट सिंबल देयरफॉर डज नॉट हैव द नॉर्मल मीनिंग बट इट इज़ अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल एंड सिंबल। यहाँ पे डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डॉट आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफाई करता है। दस एक्स डॉट वाई, अगर एक्स डॉट वाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ये लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, मतलब इसको आप रीड कैसे करोगे। सो एक्स डॉट वाई विल बी रेड एज एक्स एंड वाई, तो इसको एक्स एंड वाई के तरीके से रीड करेंगे, ना कि एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये x मल्टीप्लिकेशन y नहीं है, ये लॉजिकल एंड है, ये नॉर्मल एंड ऑपरेशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 into 3 करना है तो 2.3 अगर मैंने लिखा तो एक्चुअली 2.3 तो गलत हो जाता है। सपोज मैं a.b भी लिखता हूँ, अब a.b तो यहाँ पे x वाला y आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लो जैसे कि 2 into 3 लिखा हुआ है, अब मैं इसको 2.3 लिख दूँ इसकी जगह, तो 2.3 का मतलब 6 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो आपको होता है 2 into 3 is 6, ठीक है। बट जब मैं एंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 into 3 नहीं करना है, आपको लॉजिकल एंड करना है। लॉजिकल एंड मतलब कि भाई ए और बी दोनों चाहिए। जैसे सपोज मैंने कहा आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी एंड अ कॉफ़ी, मतलब मुझे टी भी चाहिए, मुझे कॉफ़ी भी चाहिए। एंड मतलब वहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, लॉजिकल एंड, वहाँ पे लॉजिकल एंड ये सिग्निफाई कर रहा है कि भाई मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मुझे पहली भी चाहिए दूसरी भी चाहिए, ठीक है। तो वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मतलब पहली भी चाहिए दूसरी भी कहानी चाहिए, वो चीज़ होती है एंड, ठीक है। सो यहाँ पर लॉजिकल एंड है, ना कि नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वाला एंड, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स है एंड ऑपरेशन के, विच इज 0.0। अब देखो यहाँ पे ऑल द प्लस में नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्लियर कट सिग्निफिकेशन, मतलब सिग्निफिकेंस है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम सिग्निफिकेंस है। विच इज 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, तो 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 1 1, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो बेसिकली 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, बट 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे तो क्लियर कट सिग्निफिकेंस है मल्टीप्लिकेशन का कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो इसको याद रखने का एक तरीका और बताता हूँ, एंड और को साथ में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये और है और एंड तो आपके लिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 0 + 0 0 + 1 1 + 0 और 1 + 1। हमने क्या देखा हुआ है कि भाई 1 + 1 आपको देता है 1 1 + 0 आपको देता है 1 0 + 1 देता है आपको 1 और 0 + 0 देता है आपको 0। तो अगर आप इन दोनों में क्लियर कट सिग्निफिकेंस देखो या फिर डिफरेंस देखो तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 0 है 1 1 है, यहाँ पे 3 1 है 1 0 है। मतलब जो एक्सट्रीम 0 0 वाली सिचुएशन है, जैसे कि एक्सट्रीम 0 0 वाली सिचुएशन, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और मतलब एक्सट्रीम को आपको नोटिस करना है, बस एक्सट्रीम को नोटिस करिएगा। यहाँ पे एक्सट्रीम को क्या नोटिस करिएगा कि यहाँ पे एक्सट्रीम की कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे एक्सट्रीम की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ऑपोजिट में है। कैसे, यहाँ देखो 1.1 इज 1 ओनली, मतलब सिर्फ 1.1 ही 1 है, बाकी 0 है, और यहाँ 0 + 0 इज 0 ओनली, ठीक है, बाकी सब 1 है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। याद रखने का एक तरीका है कि 1 into 1 करोगे तो 1 आने वाला है बेसिकली, ठीक है, और बाकी सब में जीरो आने वाला है, ऐसे जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो आएगा, बाकी सब में क्या आने वाला है, वन आने वाला है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कभी भी ये बात ध्यान रखते हो। और में बेसिकली जो कंफ्यूजन होता है मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ क्या होता है कि आप प्लस को, मतलब जो और में आप प्लस लगा रहे हो उसको प्लस की तरीके से ट्रीट करो, और एंड में जो आप डॉट लगा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हो उसको मल्टीप्लीकेशन की तरीके से ट्रीट करो। यहाँ पे तो क्लियर कट आइडिया फिट हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो देगा, जीरो इंटू वन जीरो देगा, वन इंटू जीरो जीरो देगा, वन इंटू वन वन देगा। यहाँ तो क्लियर कट आइडिया फिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट एग्जांपल है उसमें आइडिया फिट नहीं होगा। जैसे जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन क्या है, वन प्लस वन इज। अब यहाँ फंस जाते हैं। तो ये याद रखने के लिए क्या करना है आपको, ये याद रखने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमेशा तीन चीज़ें डोमिनेटिंग रहेंगी, मतलब एंड और में तीन चीज़ें हमेशा डोमिनेटिंग रहती है कि सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे तीन जीरो है तो यहाँ पे तीन वन मिलने वाले, क्योंकि दो तो वन आप निकाल चुके हो तो ये तीसरा भी वन रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ को याद रखना। और बेसिकली फाइनली जो आपको हेल्प करने वाला है वो ये ट्रुथ टेबल्स ही करने वाली है। जैसे कि आगे अब मैं एंड की ट्रुथ टेबल बना देता हूँ जो आगे आपको हेल्प करेंगे सारे ऑपरेशन में, क्योंकि आगे हम बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसको ट्रुथ टेबल की वजह से इवेल्युएट कर रहे होंगे, वहाँ पर ये आपको यही चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो एक्स और वाई में जब मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो वही मुझे कहानी पूरी हेल्प करने वाली है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ही मुझे हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि जीरो डॉट जीरो या जीरो एंड एक्स डॉट वाई या एक्स एंड वाई, जिसमें जीरो आ गया बेसिकली, तो जीरो डॉट जीरो एंड जीरो में आपको आंसर मिलेगा जीरो। ऐसे ही जीरो डॉट वन या जीरो एंड वन में आपको मिलेगा आंसर जीरो। फिर वन डॉट जीरो या वन एंड जीरो में आपको आंसर मिल जाएगा जीरो। ऐसे ही वन डॉट वन या वन एंड वन में आपको मिल जाएगा आंसर वन। तो बेसिकली आपके पास तीन जीरो हैं और एक वन है बेसिकली, बस दैट इज द सी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी तो सेम। ठीक है, आई होप ये क्लियर कट इंडिकेशन, ये क्लियर कट आइडिया आपको समझ में आ गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई होप दैट। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल। इसके बाद इसका वेन डायग्राम हम मैं बात करूँ तो वेन डायग्राम का क्या कहानी है, तो वेन डायग्राम भाई इंटरसेक्शन वाली कहानी है। इसमें अगर मैं कहता हूँ एक्स एंड वाई, दो मतलब एक एक्स है एक वाई है, ये पूरा सेक्टर जो सर्कल है ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल वाई रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मुझे एक्स डॉट वाई निकालना है तो एक्स डॉट वाई क्या सिग्निफाई करता है, एक्स डॉट वाई सिग्निफाई करता है कि मुझे एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो मुझे वो सेक्शन चाहिए जिसमें एक्स और वाई दोनों होगा। ठीक है, क्या चाहिए, मुझे वो सेक्शन चाहिए जिसमें एक्स और वाई दोनों की सिग्निफिकेंस होगी, दोनों की इंपॉर्टेंस होगी, मुझे वो कहानी चाहिए। अगर आपको पुराना याद हो और वाला, उसमें हमने क्या कहा था, उसमें हमने एक तरीके से यूनियन कर दिया था, जिसमें हमने कहा था कि एक्स और वाई दोनों में से कुछ भी हो वो मुझे चलेगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे जो दोनों जहाँ पे आते हैं सिर्फ वही चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको वेन डायग्राम आ जाएगा एक्स एंड वाई का, एक्स डॉट वाई का, वो ये ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो कॉमन चीज़ है वही आपको चाहिए या वही आपको मिलने वाली है बेसिकली। ठीक है, आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची होगी। तो वेन डायग्राम इज कम्प्लीटली क्लियर, राइट। सो दिस वाज योर एंड ऑपरेटर बेसिकली। ठीक है, तो ये था आपका वेन डायग्राम और ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एंड ऑपरेटर। अब इसी के साथ हमने तीन ऑपरेटर्स कवर कर लिए, हमने नॉट ऑपरेटर कवर कर लिया, हमने और ऑपरेटर कवर कर लिया, हमने एंड ऑपरेटर कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है वो हम क्या करेंगे यार, इन ऑपरेटर्स को मिक्स करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, रिजॉल्व कर रहे होंगे। तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। 0-1 के साथ खेलना होता है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। चीज़ें बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी है। बस आपको करना क्या है, फोकस लाना है बस। ठीक है, चीज़ों पर कंसंट्रेशन लाना है, प्रॉपर फोकस लाना है, जिससे कि आप उन पर गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1-0 आने वाले हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो सब क्लियर कट आइडिया मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल्स। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में के लिए बने रहिएगा, वो अगर वो चीज़ आपको मुझसे कंप्लीटली सीखनी है तो। ठीक है, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट टॉपिक। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो या तो आप URL सीधे सीधे डाल दो magnetbrains.com, URL पर सर्च कर लो, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स। पहली जो लिंक मिलेगी, पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, वेबसाइट का होम पेज है हमारा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें से CBSE K-12 इंग्लिश क्लिक करना है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें क्लास 11th पे क्लिक करना है। तो क्लास 11th के अंडर CBSE K-12 इंग्लिश सेक्टर में जो भी कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है वो सब आपका ओपन हो जाएगा। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएसई, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस, राइट। इवन हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे आईआईटी जेईई अवेलेबल है, नीट अवेलेबल है, सीयूईटी अवेलेबल है, बैंकिंग एग्जाम्स अवेलेबल है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, स्कोर अच्छा करना है, प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स पूछने हैं एंड फाइनली बस स्कोर अच्छा करना है। दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स, ठीक है, गुड करियर इन योर लाइफ, दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, ठीक है। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, A to Z कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए, ठीक है। या तो यूट्यूब देख लो, वेबसाइट देख लो या आप देख लो, जो आप चाहें, ठीक है, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।